वैसे भाई लोग, आईकू नियो 9 प्रो 5G डिवाइस के अंदर आज अपन करने वाले हैं BGMI गेम प्ले टेस्ट। वैसे ये डिवाइस स्मूथ पर एक्सट्रीम प्लस से लेकर अल्ट्रा HDR सपोर्ट करता है। वैसे इस गेम प्ले को अपन 90 FPS पर खेलने वाले हैं और ये डिवाइस PUBG मोबाइल के अंदर 120 FPS को सपोर्ट करता है, शायद BGMI के अगले अपडेट पर आ जाए। सो गाइस, नेक्स्ट गिव अवे 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर किया जाने वाला है और ये गिव अवे पोको X6 प्रो 5G का है जो कि आपको नया दिया जाएगा। मेरे पास इस डिवाइस के 3 पीस अवेलेबल हैं और सब्सक्रिप्शन वाला गिव अवे मैं आगे जाके अनाउंस करूंगा। तो इसके लिए भाई लोग प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना कंपलसरी है। वैसे भाई लोग, आईकू नियो 9 प्रो 5G को लेकर मैं सीधे आ गया मेका फ्यूजन अपडेट इस मेन हॉट ट्रप के ऊपर। वैसे इस वीडियो पर आपका वेलकम है, बिल्कुल वेलकम है। हाल फिलहाल इस गेम प्ले पर भाई साहब बहुत सारे बंदे पकड़ पकड़ कर पेलेंगे अपन। वैसे इस गेम प्ले की मेन स्क्रीन पर देखिए आपको समझ में आएगी। वैसे बंदे चारों तरफ स्प्रे बाजी कर रहे हैं। यहाँ से आगे जाता हूँ, हमारे भाई के पास एक बंदा है, इस बंदे को दबोचा। यहाँ से आगे बंदा खत्म। सो ये बंदा स्प्रे बाजी कर रहा था, हाल फिलहाल समस्या नहीं है। यहाँ से आगे जाता हूँ, गजब सीन। नीचे एक बंदे का किल चुराया, उसको डैमेज भी किया, बंदा खत्म। यहाँ नीचे 2 किल मारा, मतलब 2 बंदे पीला, छत पे आया। सामने बंदे रिवाइव बाजी कर रहे हैं। वैसे इन बंदों की पेटियां बनाने के बाद मेरे इस मैच पर 5 किल कंप्लीट। आगे जाता हूँ छत पे। वैसे आज फिर से की आम के पेड़ पर कोयल का छोटा वाला बच्चा चिल्ला रहा है, ना जाने क्यों। मैं अंदर आया था, मुझे जस्ट सामने एक बंदा नजर आया था। वैसे इस बंदे के पास ऑटो रिवाइवल वाली किट थी, लेकिन उससे पहले ये बंदा खत्म। इसका टीममेट भी आया हुआ था, ये भी खत्म। यहाँ पर भाई साहब बंदूक की पेटियाँ बनाया। वैसे यहाँ डिवाइस पर आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का 5G चिपसेट मिलता है, जिसका N22 स्कोर 1.7 मिलियन, मतलब 17 लाख के आसपास आता है। गजब सी। ये नीचे एंट्री पॉइंट पे एक बंदा आया हुआ था, ये साला नॉक फिनिश, इसका नाम बड़ा खतरनाक था। अरे इतना मत हिलाओ कि आपका मेन जायरोस्कोप डिले हो जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पीछे 2 बंदे आए हुए हैं। बंदा पकड़ा, दूसरा बंदा, वैसे ये दूसरा बंदा भाई साहब हमारे भाई को पेलना चाहता था, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया, ना जाने क्यों। भाई साहब सप्रेसर चला रहा था इस कारेल में। हाल फिलहाल समस्या ये देखिए, ये सब चीजें काटना पड़ता है, ये साले आपस में लड़ते रहते हैं कहीं पे भी। हाल फिलहाल ये गजब चीज, सामने तंबूड़ी पे एक बंदा बैठा हुआ था, तो इस बंदे की पेटी बनाकर मैं आया छत पे। मेन छत पे आके हल्का फुल्का वेट करूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आसपास बंदे हैं। ये नीचे वाले कंटेनर के पीछे एक बंदा है, थोड़ा सा डैमेज हुआ लेकिन समस्या नहीं है। इसके पास जाता हूँ, यहां से स्पोंटे से बमबाजी करूंगा। गजब सी, मैं नीचे आ गया था और और ये सामने वाला बंदा कारेल बाजी कर रहा है, जिसका मतलब ये अभी अभी रिकॉल होके आया यहाँ पे। और ये हमारे भाई कवर बना के बंदे के पास चले गए। अरे उसके पास क्यों जा रहे हो, ये बंदा वहां से भागकर इस तरफ आ गया था, हीलअप कर रहा था, जिसके चलते बड़ी आसानी के साथ इस बंदे की बेटी डाला। इस बंदे की बेटी बनाने के बाद मैं जा रहा था पार्ट्स, लेकिन वैसे आप पूछेंगे कि इस चर्च के आसपास मुझे बंदे नजर आए, मैं आया चर्च पे। और यहाँ पर गजब सीन। वैसे मैं टीन के डब्बे से नीचे कूदा था, ये ना जाने कहां से तशरीफ लाया, मेरे पिछवाड़े पे गोली मारा, मुझे नॉक कर दिया इसने, गजब सीन। तो मैंने यहाँ पर ऑटो रिवाइव किट को यूज किया, रिवाइव बाजी करने के बाद मुझे नीचे एक
बंदा नजर आया था, ये बंदा था कि बोट मुझे नहीं पता। ये नॉक फिनिश, इसकी पेटी बनाकर मैं पहुंचा बोट सिंह की। ये सामने एक बंदा छुपा हुआ था, फिलहाल मुझे लग रहा था ये मात्र एक बंदा है। जब मैं आगे पहुंचा मुझे इसका टीममेट नजर आया, तो इस बंदे का टीममेट T90 से डैमेज, स्पेशल गजब तीर, ड्रॉप के पीछे एक और बंदा, इसको हमारे भाई ने नॉक किए, बंदे खत्म। सो गाइस, बंदों की पेटी बनाने के बाद ये देखिए, ना जाने कहां पर कैंपिंग, ये बंदा कैंपिंग करने के लिए टंकी के ऊपर चढ़ रहा था, स्पेशल गजब तीर। वैसे इस जगह पर बंदों ने फ्लेयर गन चलाई हुई थी, तो मैं आया था फ्लेयर ड्रॉप को लूटने के वास्ते। यहाँ पर बंदे भाई साहब, ये टंकी के नीचे वाला बंदा फिर से की नॉक हुआ, ना ओ यहाँ पे, ना ही जाने कहाँ कहाँ से बंदे इस पे बाजी कर रहे हैं। ये सामने घास के ढेर के पीछे एक बंदा छुपकर बैठा हुआ है, यहाँ से आगे रोटेशन लेके जाता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मैंने रोटेशन नहीं दिया ना, तो आगे जाकर 100% पछताना पड़ेगा। मैं रोटेशन लेके आया टंकी के पास, ये पीछे वाला बंदा अभी भी नॉक पड़ा हुआ है, तो दिक्कत परेशानी है नहीं। सो फाइनली मैं रोटेशन ले लिया हूँ, सामने कहीं पर घास के ढेर के पीछे बंदा छुपकर बैठा हुआ है, इसके मुंह पर वैसा बम फेंका, ये बंदा फूटा नहीं। यहां से आगे चिमनी फेंकता हूं, वैसे ही बंदा बहुत देर से स्प्रे बाजी कर रहा था। फाइनली इस बंदे की पेटी बनाया, बंदे की पेटी बनाने के बाद इस मैच का वैसा 20 किल कंप्लीट। ये नीचे एक और बंदा लेटा हुआ था, लेकिन बंदे की पेटी मिस। उस बंदे के पास भाई साहब ऑटो रिवाइवल वाली, जिसके चलते ये बंदा ऑटोमेटिक रिवाइव हो जाएगा, स्पेशल गजब सीन। हमारे भाई के पीछे एक सांप लेटा हुआ था, ये डैमेज हुआ। सो गाइस, ये सांप सिर्फ डैमेज हुआ, उठकर फाड़ी होने का प्रयास कर रहा था। हमारे दो भाई नौके, दोनों के पास ऑटो रिवाइवल वाली केड़े, जिसके चलते ये बच जाएंगे, हाल फिलहाल समस्या वगैरह नहीं। सो गाइज, ना ही जाने ये सांप कौन से वाले घास के ढेर के पीछे लेटा हुआ है, मुझे नहीं पता, इसको ढूंढ रहा था। आखिरकार इस पंदे ने स्प्रे बाजी की, जिसके चलते इस पंदे की पोजीशन मुझको पता चल गई, ये सामने लेटा हुआ है, दिख जा बेटे, दिख जा, दिख जा, दिख जा, दिख जा बंदा, दिख जा सांप। यहां पर बम बाजी करता हूं, यहाँ पर कुल मिला के दो सांप थे, दोनों खत्म, जिसमें से एक सांप बोट था, दूसरा सांप बंदा था। हाल फिलहाल समस्या नहीं है, वैसे इस जगह में जोन आ चुका है और हमारे भाई की पेटी बन चुकी है, और जिस बंदे ने हमारे भाई की पेटी बनाया है ना, वो जस्ट सामने वाली रिच पर सांप बन के लेटा पड़ा है। तो इस सांप को डसता हूँ जाके, थोड़ा सा रोटेशन लेके जाऊंगा, क्योंकि भाई साहब अगर सांप को मैं नजर आ गया ना, तो साला मुझे सांप पहले डस लेगा। ये सामने वाली रिच पे कहीं ना कहीं लेटा हुआ ये सांप, ये सामने देखिए लेटा हुआ था, इसका टीममेट भी है। वैसे ये डबल बंदे पेटी में तब्दील। वैसे यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं डिवाइस पर सिस्टम के ही स्क्रीन रिकॉर्डर के द्वारा इस गेम प्ले को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और डिवाइस पर FPS मीटर की एप्लीकेशन भी चालू है, जिसके चलते भाई साहब हल्का पुल्का डिवाइस हीट हो रहा है। वैसे भाई लोग, ये रही सांप की एक नई वाली प्रजाति, हाल फिलहाल समस्या नहीं है, इस पंदे की पेटी बनाया, और इस पंदे की पेटी बनाकर मैं लूटूंगा पेटियां, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर गोलियां खत्म होने को आई थी। लेकिन भाई साहब, ये वाली स्क्वाड का लास्ट बंदा हमारे पास आ गया था, सो इस पंदे की पेटी बनाया, यहाँ से आगे पहुंचा मैं जोन के अंदर। इन घरों के आसपास जोन बना हुआ है, और जब मैं हवा में था मुझे एक गिली सूट वाला बंदा नजर आया था, ना जाने कहां पर भाग गया। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा इसी घर के अंदर है, गजब सीन। ये सामने सांप बना हुआ था, ये सांप नॉक फिनिश। सो गाइस, डिवाइस ने मेन हुड ट्रप से लेकर यहां तक किसी भी एक सिंगल जगह पर 80 से नीचे FPS को काउंट ही नहीं किया,
जिसका मतलब ये डिवाइस बहुत ज़्यादा अच्छी खासी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है 90 FPS के हिसाब से BGMI के अंदर, जबकि BGMI उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज भी नहीं है। वैसे इस मैच पर बचे हुए बंदे ये सामने रहे, गजब सीन। मैं इस पे बाजी कर रहा था, सामने कहीं पेड़ के नीचे इसका टीममेट था जो कि मेरे ऊपर स्प्रे बाजी कर रहा था, और ये स्प्रे बाज कंटिन्यू स्प्रे बाजी कर रहा था। ये सामने रहा, ये नॉक हुआ, यहाँ से आगे बंदा खत्म। तो इस मैच पर 28 किल कंप्लीट। यहाँ से आगे जाता हूँ, एक और बंदा खत्म हो गया था जोन से। मैं पहुंचा इस पेड़ के पास, ये सामने बंदा जिसको नॉक किया हूँ, और इस बंदे की पेटी हमारे भाई ने बना दिए। हाल फिलहाल समस्या नहीं, इस मैच पर मात्र एक बंदा बचा हुआ है जिसकी पेटी बनाने के साथ साथ मेरे इस मैच पर 30 किल कंप्लीट हो जाएंगे। ना जाने ये बंदा कहां पर बैठा हुआ है, कहीं जोन के बाहर ना हो। हमारे भाई को ये बंदा नजर आया जो कि सामने वाले पेड़ के पीछे चुपचाप बैठा हुआ है। डैमेज हुआ, तो इस बंदे के मुंह पर बम बाजी करने का प्रयास करता हूं। यहां पे बम फेंका, गजब सीन। बंदा उड़कर ये तो फाड़ी होने का प्रयास कर रहा था, इस बंदे की पेटी बनाने के साथ ही साथ मेरे इस मैच पर 30 किल कंप्लीट, उसके साथ विनर विनर चिकन डिनर ये भी कंप्लीट। सो गाइस, ये डिवाइस आपको अमेज़न के अंदर 35,000 रुपए से नीचे देखने को मिल जाता है, जिसकी परफॉर्मेंस BGMI और पबजी मोबाइल इन डबल गेमों पर बहुत ज़्यादा अच्छी है। BGMI पर यह डिवाइस 90 FPS सपोर्ट करता है अच्छी तरीके से, पबजी मोबाइल के अंदर 120 FPS सपोर्ट करता है, हल्का फुल्का FPS ड्रॉप होता है लेकिन समस्या नहीं जाती।